हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट ए डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। डिस्पर्शन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जब हमारे एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर हम फॉल करते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट के नाम से जानते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक लेंस के केस में और फर्स्ट चैप्टर में हमने मिरर के केस में डिस्कस किया था भाई कि जब एक प्रिज्म मिरर या लेंस के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल की जाती है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर के कारण डिफरेंट फोकल पॉइंट प्रोवाइड्स करती है। तो अब हम वो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिरर के बारे में डिस्कस किया है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने लेंस के बारे में डिस्कस किया है, इसी प्रकार जो थर्ड चैप्टर है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट उसमें हमें प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। प्रिज्म क्या होता है आपका? एक जो सिंपल प्रिज्म है आपका एक होमोजेनियस रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेसेस। ए सिंपल प्रिज्म इज ए होमोजेनियस मीडियम bounded by at least two non parallel surfaces। दो non parallel surfaces से जो बाउंडेड है हमारे इनक्लाइंड एट एन एंगल। जो के एंगल के ऊपर इनक्लाइंड रहते हैं तो उस फिगर को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? प्रिज्म के नाम से जानते हैं। होमोजेनियस, होमो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सेम रहना। प्रत्येक सरफेस के ऊपर जब हम रिफ्रैक्शन शो करेंगे तो वहां पे सेम रहे वो चीज। दिस इज ए प्रिज्म। ये केस होता स्टूडेंट हमारा, इसमें हमारी लेट ए बी सी जैसे हम ट्रायंगुलर लेके चलते हैं तो ट्रायंगुलर ए बी सी जो हमने माना है ये आपका एक प्रिज्म है। इसके अंदर हमारे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं स्टूडेंट, ए बी एंड ए सी। एक ये हो जाएगी एक ये स्टूडेंट। ये हमारा बेस कहलाता स्टूडेंट्स, इसको हम बेस बोलते हैं। ये जो एंगल है इसको हम प्रिज्म एंगल के नाम से जानते हैं। और जो ये पोर्शन है हमारा
is come refracting as ball pen. तो ये हमारा एक सिंपल जो प्रिज्म है, हमारा होमोजेनियस मीडियम है, बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल। तो जो ए बी और ए सी दोनों हमारे ए बी एंड ए सी आर नॉन पैरेलल सरफेसेस इनक्लाइंड एट एनी एंगल, जो के एंगल के ऊपर इनक्लाइंड किए हुए। हियर ए बी एंड ए सी आर टू नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, BC known as a base, angle A जिसके ऊपर हमारे दोनों non-parallel surfaces हैं, at least two. तो यहां से हमारा ए बी और ए सी दोनों नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हमारे जो हमारे एक एंगल ए के ऊपर लाई किए हुए। स्टूडेंट एंगल ए यहां पे आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म एंगल कहलाता है। अब यहां से हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, जहां से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन चेक करेंगे। यहां से एक इक्वेशन निकलेगी आपकी, डिराइव डेल्टा प्लस ए इज इक्वल आई प्लस ए। हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है, डिराइव दिस इक्वेशन। यहां पे डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एमर्जेंट एंगल, ये जो सभी हमारे पार्ट हमने लिए हैं हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। तो हम प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन चेक करेंगे तो वहां से हमारी इक्वेशन आएगी डेल्टा प्लस ए इज इक्वल आई प्लस ए, जिसको हमें चेक करेंगे स्टूडेंट। एक फिगर ड्रा करते हैं हम, लेट ए बी सी ए प्रिज्म हैविंग टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस A, B and A, A, C. We have A is the angle of a prism, B, C is the base. जब हम इसके ऊपर white light fall करते हैं student, let a source of light from which light falls on the refracting surface A, B. या हमारा स्टूडेंट लेट पॉइंट ए ई। अब जो केस है हमारा वो क्या बताता है भाई, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम के अंदर है और जो प्रिज्म है हमारा वो एक डेंसर मीडियम है। तो जब आपकी एक रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये था एक्चुअल पाथ। तो स्टूडेंट्स लाइट रेज मूव स्ट्रेट लाइन इन पाथ, अब आपकी जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है बट देयर इज एन ऑब्स्टेकल, द प्रिज्म एक्ट्स एज ए ऑब्स्टेकल फॉर इट। सो व्हेन द रे मूव फ्रॉम रेयर टू
denser, it degrades, it's a path. In which direction, students? Drag normal at point A, E. This is the normal. This is angle of a incidence. That is a I, students. अब रेयर टू डेंसर है, देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज ए रिफ्रेक्टेड रे. लेट पॉइंट ए एफ. सो एफ इज द रिफ्रेक्टेड रे इंसिडेंट ऑन सरफेस ए सी. अब ए सी के ऊपर डालोगी, ड्रा अगेन नॉर्मल एट दिस ए पॉइंट. हमने फिर इसके ऊपर एक नॉर्मल डाला स्टूडेंट्स, दिस इज. सो द रे मूव फ्रॉम नाउ डेंसर टू रेयर, हेंस डेविएट अवे फ्रॉम ए नॉर्मल इन दिस. दिस इज द इंसिडेंट रे, this is a refracted ray, this is a emergent ray. So angles, student, let r1, let r2, this is the angle a, e. ab hamare jo ray hai ye जब रेयर टू डेंसर हुई स्टूडेंट तो अपने पाथ से डेविएट हुई है. सो दिस इज द एंगल ऑफ ए डेविएशन. लेट ए डेल्टा वन बैकवर्ड. दिस इज द एंगल ए डेल्टा टू एंड दिस इज ए एंगल ऑफ ए डेविएशन. लेट पॉइंट ए ओ स्टूडेंट. तो हम यहां से फिगर के अंदर हमारी जो केसेस अराइज हुए हैं भाई, एंगल क्रिएट किए हमने आई आर वन आर टू ए डेल्टा. हमने जो रिलेशन निकालना स्टूडेंट वो किस में निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन. दिस ए प्रिज्म एंगल, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एमर्जेंट एंगल. तो ये हमने इस फिगर के थ्रू चेक करना स्टूडेंट. करो लेट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट एस फ्रॉम विच एंड इंसिडेंट रे एस ए फॉल्स ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी. ई एफ इज रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट ऑन ए सी. लेट पॉइंट ए पी. Here, FP is emergent ray. As shown in figure. जैसा कि हमने figure में show किया भैया, तो अब हम यहां से जो angle of deviation है student, उसको check करेंगे. लेट पॉइंट ए टी. तो इन ट्रायंगल ई एफ टी, यह स्टूडेंट हमारे
रिफ्रैक्टेड रे के लिए इसको हमने पीछे बढ़ाया और इसको बढ़ाया, तो ये इस पी पॉइंट के ऊपर काटे हुए, तो एक ट्रायंगल ऑब्टेन हुई है हमें टी ई एफ। इन ट्रायंगल टी ई एफ जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा इज इक्वल क्या जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ये हमारी एक ट्रायंगल हुई TEO TEF है। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है वो इस ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है जो के इक्वल टू द सम ऑफ ए अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके जो इंटीरियर एंगल है ये हो गया, इनके अपोजिट ये दोनों हो गए, इसके सम के इक्वल होता है स्टूडेंट। सो डेल्टा इज इक्वल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। नाउ वी डिटरमाइन डेल्टा वन एंड ए डेल्टा टू। अब यहां से चेक करो स्टूडेंट, जो डेल्टा वन है हमारा इससे ए बी और ए सी सरफेसेस में हम डेल्टा वन और डेल्टा टू को चेक करेंगे। जो एंगल आई है हमारा वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये और ये दोनों आपकी अपोजिट रेज है, कट एट वन पॉइंट, दे आर अपोजिटिवली एंगल्स। सो एज एंगल डेल्टा वन इज इक्वल क्या हुआ स्टूडेंट हमारा, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। सो डेल्टा इज इक्वल आई माइनस में आर ए वन स्टूडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसके ऊपर है स्टूडेंट हमारा, ए बी के ऊपर। ए बी के लिए चेक हुआ, अब डेल्टा टू को चेक करो स्टूडेंट। सिमिलरली डेल्टा टू इज इक्वल, तो डेल्टा टू क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये होल एंगल एमर्जेंट ई इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, दैट इज डेल्टा टू प्लस आर टू। तो यहां से डेल्टा टू क्या जाएगा स्टूडेंट, ई माइनस में आर ए टू। तो किस केस में निकला, ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी के लिए। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं डेल्टा वन और डेल्टा टू की, इनको इक्वेशन पुट वन में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट डेल्टा, सो डेल्टा इज इक्वल डेल्टा वन किसके इक्वल हो गया हमारा, आई माइनस आर वन प्लस आर डेल्टा टू किसके इक्वल स्टूडेंट, ई माइनस आर ए टू के। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट, अगर हम इसको यू लिखें डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई, दोनों प्लस की क्वांटिटी है एक साथ रखी, माइनस इस आर वन और आर टू से हमने माइनस को कॉमन निकाला स्टूडेंट, तो माइनस बारह आ गई, अंदर क्या रह जाएगा आर वन प्लस ए आर ए टू। तो जो डेल्टा है हमारा स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ गया, यहां से आई प्लस ए इज इक्वल सॉरी डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई माइनस में आर वन प्लस ए आर ए टू। यहां तक सोल्व किया हमने इसमें, अब हमने जो डेरिवेशन चेक करना था स्टूडेंट वो ए के केस में भी चेक करना था, तो आप ए के केस में कैसे लेके आओगे, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ एफ में आ जाओ, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ F, A, E, O, F, एक क्वाड्रिलेटरल लेके चले जिसके सभी फोर एंगल्स का सम स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा 360, दैट इज एंगल A, E, O, A, E, O, ये होल एंगल हो गया प्लस E, O, F, E, O, F, जो मिड पॉइंट होता है स्टूडेंट एंगल के केस में उसके ऊपर एंगल अज्यूम किया जाता है प्लस
AFO, AFO plus angle A is equal student 360 degree. जो चारों एंगल बने हमारे इसके लिए उन सभी का सम किसके इक्वल आएगा हमारा 360 के इक्वल आएगा. हियर दिस इज द नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड दिस इज आल्सो नॉर्मल ऑन द सरफेस. तो जो हमारा एंगल ए ई ओ है और ए एफ ओ है इन दोनों का सम कितना स्टूडेंट नॉर्मल डाला है तो ये एंगल आपका 90 का है तो ये एंगल भी तो स्टूडेंट 90 का होगा. Here angle A E O this is equal 90 degree or A F O student A F O is equal also 90 degree. दोनों 90 के हो गए तो इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा आपको student angle AEO 90 plus EOF plus ये भी 90 plus angle A is equal 360 degree. तो ऐसे दोनों की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट. So angle EOF plus angle A is equal 180 degree. इसको हमने इक्वेशन 2 अज्यूम किया स्टूडेंट. इसको हमने इक्वेशन थर्ड अज्यूम कर लिया. एंगल EOF प्लस एंगल A इज इक्वल 180 डिग्री स्टूडेंट. अब हमें यहां से एक ट्रायंगल है हमारी EOF इन ट्रायंगल EOF इस EOF के अंदर लेके चलेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाए एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल EOF इज इक्वल 180 डिग्री. एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री. तो ये हमारे थर्ड इक्वेशन थी. इसको हमने फोर्थ इक्वेशन लिया. तो जब हमने थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करें स्टूडेंट इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ We get एक साइड सेम है स्टूडेंट 180 के इक्वल है दोनों तो क्या हो जाएगा आपका. So angle R1 plus angle R2 plus angle EOF is equal क्या गया स्टूडेंट हमारा angle EOF plus angle A. तो EOF से EOF कैंसिल तो क्या जाए. So angle A is equal क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा एंगल आर वन प्लस एंगल आर ए टू. अब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी डेल्टा इज इक्वल क्या था हमारा आई प्लस ई माइनस में आर वन प्लस ए आर टू. तो हमारा आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट एंगल ए ए के. हेंस डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई माइनस में एंगल ए ए. ए को आगे उठा के ले आओ डेल्टा प्लस ए इज इक्वल आई प्लस ए. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. जो हमने इक्वेशन ली थी एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ए इज इक्वल आई प्लस ए. ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा यहां से रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म डेल्टा प्लस में ए इज इक्वल आई प्लस में ई. यहां से स्टूडेंट आप एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने जा रहे हो जिसको हमें प्रिज्म फार्मूले के नाम से भी जानते हैं. जो हमने रिफ्रैक्शन चेक किया है थ्रू द प्रिज्म इसी बेस के ऊपर हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन चेक करेंगे जिसमें हमें रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विद द प्रिज्म एंगल भी बोल सकते हैं. जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म चेक किया है जब व्हाइट लाइट को इसके ऊपर फॉल किया तो वो रिफ्रैक्ट होके चली थी. तो जो हमारी ईएफ है वो नियरली इस बेस के पैरेलल चलती है भैया. तो एक सिमेट्रिकल प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम यहां पे
कि आपका जो एंगल वाई और ई है वो सेम रहेंगे। प्रिज्म जो फार्मूला डिराइव किया जाएगा स्टूडेंट आपका, वो डिपेंड करता हमारा इस इक्वेशन के ऊपर कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा ये, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता स्टूडेंट। सो प्रिज्म में फार्मूला इसी से डिराइव होगा स्टूडेंट हमारा, इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हम यूज करेंगे। जैसे ये आया है हमारा, इसको भी यूज किया जाएगा, एंगल ए इज इक्वल स्टूडेंट आर वन प्लस ए आर टू निकाला हमने, डेल्टा किसके इक्वल आया स्टूडेंट हमारा आई प्लस ई माइनस में आर वन प्लस ए आर टू स्टूडेंट, और डेरिवेशन जो फाइनल आया है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल आई प्लस में ई। इन सभी फार्मूलों को हम इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट। प्रिज्म फॉर्मूला एस डेल्टा इज इक्वल, हमने यहां से एंगल ऑफ डेविएशन चेक किया था स्टूडेंट, किसके इक्वल आ जाए आई प्लस ई माइनस में ई, इसे को पीछे लेंगे स्टूडेंट हम I प्लस में E माइनस में A। तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एज एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, तो ये इंक्रीज करेगा तो वैल्यू इसमें से कुछ घटने लग रही है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस इन सेम मैनर, उसी मैनर के अंदर हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एक्स ऑन इन ए फिगर एक फिगर ड्रा करेंगे स्टूडेंट हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और ए एंगल ऑफ ए डेविएशन के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज कर हम यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, as the angle of incidence increases angle of deviation goes on a decreases, at a certain angle of incidence it becomes a minimum deviation and after which it goes on a increases, to this point known as delta mean, that is minimum deviation. At this condition, I is equal to E. जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल हो जाता है, तो ओनली अंडर वन कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन, जो हमें यहां से मिनिमम डेविएशन ऑब्टेन हुआ स्टूडेंट वो केवल एक ही कंडीशन के ऊपर होता है, जब आपका आई किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट ई के इक्वल आ जाता है। इन दीज कंडीशंस
तो हमने यहाँ पे चेक करा एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन गोज ऑन ए डिक्रीजेस एट ए सर्टेन दैट इज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इट बिकम्स मिनिमम दैट इज नोन एज ए मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन एट दैट टाइम आई इज इक्वल ए ई। उस टाइम पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल आएगा। तो यहां से हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे स्टूडेंट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस increases deviation angle delta decreases till it becomes minimum known as मिनिमम डेविएशन। स्टूडेंट हियर ओनली वन एंड वन, केवल एक ही ऐसी कंडीशन होगी हमारे यहां पे, देर इज वन एंड ओनली वन कंडीशन we have deviation angle becomes minimum deviation when I is equal to e। कब होगा स्टूडेंट वो, जब आपका i किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहां से वो कंडीशन डिस्कस करेंगे, कंडीशन फॉर ए मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन इन द पोजिशन ऑफ minimum deviation the prism is symmetrically lies with incident ray and emergent ray when that is I is equal to A। उस टाइम पे हमारा कैसा हो स्टूडेंट, आपका जो एंगल I है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल A E के इक्वल आना चाहिए। इन द फिगर ए बी सी एक प्रिज्म लेके चले हम, दिस इज द प्रिज्म एंगल, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, लेट दिस। जब हम इस ए बी सरफेस रिफ्रेक्टिंग सरफेस के ऊपर रे इंसिडेंट करते हैं, ड्राई नॉर्मल
एट दिस पॉइंट. दिस इज एंगल ऑफ ए इंसिडेंस. देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लेट ए ड्राई नॉर्मल अगेन दिस पॉइंट एंड मूव इन फॉर्म ऑफ ए एमर्जेंट ए. जैसा कि हमने पहले डायग्राम के अंदर शो कर रखा है स्टूडेंट, ये एंगल हमारा आर वन, ये आर ए टू, ये हमारा एंगल ऑफ ए. यहाँ पे हमारा रेयर मीडियम था दैट इज एयर, यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम है दैट इज ए ग्लास, फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एयर. तो यहां से हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे स्टूडेंट. रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए बी, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए बी, इस ए बी सरफेस के थ्रू इन ए फिगर. तो इस सरफेस के लिए स्टूडेंट आपका स्नेल से ला क्या हो जाएगा, स्नेल से ला. तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या था हमारा स्नेल्स लॉ, जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू वन और इसके लिए म्यू टू लेके चले तो कहां से चले हम, एयर टू ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा हमारा, एयर टू ग्लास इज इक्वल साइन आई बाई साइन ए आर ए वन, इक्वेशन ए फर्स्ट. अब हम इस एसी सरफेस के ऊपर चेक करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए सी. अगेन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या जाएगा स्टूडेंट, दोबारा अब हमने इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ को लगाना है तो हमें ग्लास से एयर के अंदर जाते हैं, म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आर टू, ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई साइन ए. इस केस में चलेंगे ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि इंसिडेंट का काम करेगा, तो साइन आर टू बाई साइन ए इक्वेशन ए टू स्टूडेंट्स. एज ए म्यू ए जी इज इक्वल वन बाई म्यू जी ए. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारी म्यू ए जी की वैल्यू है वन बाई दिस, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, हेंस यहां पर साइन आई साइन आई बाई साइन आर वन स्टूडेंट इज इक्वल वन बाई दिस है तो इन्वर्ट हो जाएगी ये, साइन ई इज इक्वल साइन आर ए टू स्टूडेंट. तो हमारा साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल किसके इक्वल आ गया, साइन ई बाई साइन ए आर टू. सो आई और ई कैसे रह जाएंगे स्टूडेंट हमारे, इक्वल एंड ए आर वन इज इक्वल ए आर ए टू. हमारा जो एंगल ई है वो किसके इक्वल आ गया, आई के, और आर वन किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट आर ए टू के. इस कंडीशन में जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे ई एफ है वो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म होती है. हियर द रिफ्रैक्टेड रे ई एफ पैरेलल टू बी सी बेस ऑफ ए प्रिज्म, जो प्रिज्म का बेस है उसके पैरेलल चलती है स्टूडेंट हमारी. तो अब हम यहां से एंगल ऑफ डेविएशन को चेक कर रहे थे, यानी कि हमने प्रिज्म में फार्मूला डिराइव करना था स्टूडेंट.
तो ये जो हमारी कंडीशन थी, एंगल ए किसके इक्वल था? आर वन प्लस ए आर टू के, और आर वन और आर टू कैसे आ गए हमारे सेम, तो यहां पर क्या जाएगी हमारी कंडीशन, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू आर वन, यहां आर वन आर टू को इक्वल लेके चले हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, आर वन इज इक्वल आर टू इज इक्वल, क्या मान लिया स्टूडेंट हमने, आर अजूम करके चल पड़े कि भाई दोनों जो एंगल है हमारे वो सेम है, सेम है तो क्या मान लिया उसको हमने, आर अजूम कर दिया स्टूडेंट, तो आर वन इज इक्वल आर टू इज इक्वल ए आर, तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, टू आर के, और आई और ई कैसे हमारे सेम है स्टूडेंट, तो उस टाइम पे डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा मी, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा मी, तो अब कंडीशन पुट करो स्टूडेंट इसमें, यहां पे रखे हम डेल्टा, तो डेल्टा मीन हो गया ये, तो अब आई और ए ई, तो आई और ई क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा, यहां पे रखो आई ई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट आपका, आई पुट कर सकते हैं, तो टू आई, डेल्टा मीन इज इक्वल टू आई माइनस मी एंगल ए, तो यहां से आप आई की वैल्यू डिटरमाइन करो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू इज इक्वल ए एंगल ए आई, डेल्टा मीन प्लस में ए बाई टू इज इक्वल ए आई, या क्या हमारा, और ए आर की वैल्यू और डिटरमाइन करो स्टूडेंट, यहां से आप आर किसके इक्वल आए हमारा, तो यहां से आर इज इक्वल क्या आ गया, ए बाई टू, दोनों एंगल हमने डिटरमाइन कर दिए, यहां से जो हमारी ये कंडीशन प्रूव हुई है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, इससे हमने आई और आर की वैल्यू निकाल दी स्टूडेंट, आई किसके इक्वल आ गया हमारा, डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू, और एक आर किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट हमारा, ए इज इक्वल टू टू आर है, तो आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए बाई टू, तो इसके ऊपर स्नेल्स लॉ क्या आ जाए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल क्या आ जाए, साइन आई बाई साइन ए आर, अब हमारे पास आई और ए आर की वैल्यू है स्टूडेंट, उनको पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड ए आर, क्या है, म्यू इज इक्वल साइन आई की जगह पे स्टूडेंट हमारा डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू अपॉन साइन आर, आर की जगह पे स्टूडेंट साइन ए ए बाई टू, दिस इज द प्रेजेंट फॉर्मूला, जो कि हमने डिराइव करना था स्टूडेंट, प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, तो इसके लिए स्टूडेंट आपने जो मिनिमम डेविएशन है वो चेक करना है, और ए जो कंडीशन हम लगा के चलते हैं इसके लिए वो लेके चलेंगे स्टूडेंट, तो म्यू इज इक्वल क्या जाएगा आपका, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू अपॉन ए साइन ए बाई टू, दिस इज द प्रिज्म फार्मूला। अब इसके लिए आप जब प्रिज्म को थिन लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में ये फार्मूला क्या हो जाए, फॉर ए थिन प्रिज्म फॉर ए थिन प्रिज्म, जब प्रिज्म थिन है हमारा तो जो एंगल सबटेंड होंगे हमारे, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये प्रिज्म जो एंगल होगा हमारा वो कैसे होंगे स्टूडेंट, स्मॉल होंगे, देन एंगल ए डेविएशन एंगल एंड ए
एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ए स्मॉल. सो अगर एंगल्स स्मॉल हैं हमारे तो स्टूडेंट हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा. सो म्यू इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू, ये आ गया अपॉन ए बाई टू स्टूडेंट्स. तो अब हम यहां से इस इक्वेशन को चेक करेंगे, इसको इस साइड उठा के ले गए तो म्यू इंटू ए बाई टू इज इक्वल डेल्टा में प्लस में ए बाई टू, तो टू से टू कैंसल, ए को आगे लेके आए तो डेल्टा मेन इज इक्वल क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, म्यू ए माइनस में ए, दैट इज डेल्टा मेन इज इक्वल यहां से ए कॉमन हो गया हमारा, तो म्यू माइनस वन इंटू में ए. इन द केस ऑफ ए थिन प्रिज्म, जब हम प्रिज्म को थिन लेके चलते हैं तो हमारा डेल्टा मीन इज इक्वल क्या आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू में ए आ जाएगा स्टूडेंट. दिस इज द प्रिज्म में फार्मूला. अब हमें चेक करेंगे इसके ऊपर स्टूडेंट कि जो डिस्पर्शन हमारा ऊपर हुआ है उस केस में आपके किस एंगल का डेविएशन मैक्सिमम होगा, किसके लिए मिनिमम होगा स्टूडेंट, उनकी वेवलेंथ के ऊपर चेक करेंगे हम, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे हम. जैसा कि हमने चैप्टर को सजेशन किया था कि जो चैप्टर में आपका लिखा गया है डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट के बारे में, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, यहां पे डिस्पर्स होना स्प्लिट होना, द फिनोमेना ऑफ ए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, उसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनके अंदर स्प्लिट होना, दैट फिनोमेना इज नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट. द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors by passing through prism. जब हमें prism के through एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं स्टूडेंट्स तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है. तो ये जो स्प्लिटिंग फिनोमेना है हमारा, उस स्प्लिटिंग फिनोमेना को हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स के, सॉरी डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट के नाम से, एज शोन इन फिगर. हम फिगर शो कराएंगे इसके लिए. ये प्रिज्म लेके चले हम स्टूडेंट, ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ये एक व्हाइट लाइट फॉल की हमने, तो जो व्हाइट लाइट आपकी ये था एक्चुअल पाथ बट इट डेविएट्स एंड स्प्लिट्स इनटू सेवन कलर्स. यहां से हमें एक कलर्स का बैंड ऑब्टेन हुआ, आर वी यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे वायलेट वी आई बी जी वाई ओ
आ विप जो हम इसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट ए विप जो के नाम से जानते हैं वी वायलेट आई इंडिगो बी ब्लू जी ग्रे वाई येलो ओ ऑरेंज आर रेड। तो जब एक व्हाइट लाइट हमने स्पेंट प्रिज्म के ऊपर फॉल की है देन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स ए कॉन्स्टिट्यूएंट ए कलर्स। तो ये जो टूटने का फिनोमिना स्टूडेंट्स का व्हाइट लाइट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हुई है दिस फिनोमिना इज नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। और जो हमें सेवन कलर्स का बैंड ऑब्टेन हुआ है द बैंड ऑफ सेवन कलर्स so obtained is known as spectrum। इस बैंड को हम किस नाम से जानते स्टूडेंट ए स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और इसको कैसे रिमेंबर करोगे दिस इज रिमेंबर्ड एज वेव जो किस नाम से याद रखोगे स्टूडेंट आप इसको वेव जोर के नाम से जानते हैं वी वायलेट आई इंडिगो बी ब्लू जी ग्रे वाई येलो ऑरेंज आर ए रेड केसेस में आ जाएंगे हमारे। अब जो हमें चेक करेंगे भाई क्या कारण है इसका वही ए व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स ए कॉन्स्टिट्यूएंट ए कलर्स यानी कि कॉज ऑफ ए डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट है हमारी स्टूडेंट वो एक सेवन कलर्स का मिक्सर होती है। प्रत्येक कलर की जो वेवलेंथ है हमारी वो डिफरेंट होती है स्टूडेंट। तो उस कलर का जो डेविएशन होगा थ्रू द प्रिज्म आल्सो डिफरेंट ड्यू टू विच दे सीम्स टू बी सेपरेट। इसलिए हमें वो कैसे दिखाई देंगे स्टूडेंट अलग अलग दिखाई देते हैं। जो ये व्हाइट लाइट हम लेके आए ये एक मिक्सर था एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स था और सभी कलर्स की जो हमारी वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ हमारी वो मैक्सिमम होगी और जब रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एज वी मूव डाउनवर्ड द वेवलेंथ गोज ऑन ए डिक्रीजेस डिक्रीज होती जाती है स्टूडेंट। और जब वो डिक्रीज करती है तो उसका जो डेविएशन है वो भी क्या करता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा। तो क्या कारण लिखेंगे हम द व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स द वेवलेंथ ऑफ ऑल कलर्स आर ए डिफरेंट सो देयर डेविएशन ऑल्सो डिफरेंट। फिर हमें एक कॉचे फार्मूला प्रोवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू कॉचे साइंटिस्ट था स्टूडेंट हमारा। तो क्या फार्मूला दिया था उसने हमें म्यू इज इक्वल ए प्लस बी स्क्वायर बाय बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ओम ए
प्लस बी वाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे ए और जो बी है हमारे स्टूडेंट वो कैसे हैं, कांस्टेंट। हियर ए एंड बी आर ए कांस्टेंट। जब ए और बी कांस्टेंट है तो यहां से सो म्यू इज इनवर्सली टू लैम्डा स्क्वायर। यहां से हमारा जो फार्मूला आता है, जो रिलेशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए वेवलेंथ के केस में, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, म्यू इज ए इनवर्सली टू लैम्डा स्क्वायर। अब जो कलर्स के केस में हम लेके चले, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हायर देन वायलेट, सो डेविएशन ऑफ रेड कलर इज ए लिस्ट। जो वेवलेंथ है भाई रेड कलर की वो मैक्सिमम होती है, अगर वो मैक्सिमम है हमारी तो उसका जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रेंथ है वो भी कैसा आएगा, लिस्ट आएगा, सबसे कम आएगा। एज ए लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन ए वेवलेंथ ऑफ ए वायलेट कलर। अगर इसकी वेवलेंथ हायर स्ट्रेंथ तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कैसे आ जाएगी, लेस। हेंस म्यू आर लेस देन ए म्यू वी। लैम्डा आर हमारा ग्रेटर देन लैम्डा वी है, सो म्यू आर उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है लेस देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए म्यू वी। अब हमने लास्ट में के इक्वेशन डिराइव की थी कि जो मिनिमम डेविएशन हमें ऑब्टेन हुआ था वो क्या था स्टूडेंट, हमारा म्यू माइनस वन इंटू में ए। एज मिनिमम डेविएशन डेल्टा मीन इज इक्वल म्यू माइनस वन इंटू में ए आया था स्टूडेंट। तो यहां से हम रेड और वायलेट के केस में लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा आर इज इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा आर का मीनिंग क्या होगा, डेविएशन फॉर ए रेड कलर। तो रेड कलर के लिए डेविएशन क्या आएगा, म्यू आर माइनस वन इंटू में ए। वी केस में क्या आ जाए, डेल्टा वी इज इक्वल स्टूडेंट ए म्यू वी माइनस वन इंटू में ए। दीज आर द डेविएशन फॉर ए रेड कलर एंड ए वायलेट ए कलर। तो आप यहां से क्वेश्चन अराइज करोगे स्टूडेंट, फॉर विच कलर द डेविएशन इज मैक्सिमम एंड फॉर विच द डेविएशन इज ए मिनिमम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, रेड कलर के लिए डेविएशन लिस्ट होगा, ये आ गया हमारा स्टूडेंट डेल्टा आर, ये हो गया हमारा डेल्टा वी। तो रेड कलर के लिए मिनिमम और वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता स्टूडेंट, और जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ हमारा वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू काचे वेवे लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। अब रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है हमारी वो मैक्सिमम होगी, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट हमारा वो कैसा आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो यहां से के टेबल भी आपकी बुक में टेबल प्रोवाइड कर रखी है भाई, डिफरेंट कलर्स के लिए वेवलेंथ आपको दी गई है और उनके लिए आप उसका डेविएशन डिटरमाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपने यहां तक आज करना है, थैंक यू।